तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 12 चैप्टर की करीब आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 13वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे गति एवं समय के बारे में। ठीक है, याद रखिए आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ से अंत तक सुनना है, हड़बड़ा के बीच में हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है वो बता दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत बोरिंग लगेगा आपको ये चैप्टर, तो याद रखिए जरूरी है पढ़ना। ये सभी बुक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो चाहे फिर मन लगे या ना लगे पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए अच्छे से सुनिए और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, कक्षा 6वीं में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदेश, वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये तीन प्रकार की गतियां याद हैं? यह हमारे सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहां तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। सरल रेखीय पथ के अनुदेश गति करने वाली 10 वस्तुएं को सोचिए। इन वस्तुओं की गति को 2 मंद वर्गों, मंद एवं तीव्र में बांटिए। आपके यह कैसे निश्चित किया है कि कौन सी वस्तु मंद गति करती है और कौन सी तीव्र? यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक दिशा में गति करता कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। याद रखिए आपको कोई क्रियाकलाप नहीं करना है, ना प्रयोगशाला में बैठना है, बस पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि अगर करते बैठ गए तो 2 से 4 साल इसी में बीत जाएंगे। आपको क्रियाकलाप पढ़ना है और निकल जाना है, उसमें जो हमारे लिए जरूरी है उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, क्रियाकलाप 13.1 13 पॉइंट में देखिए, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 में देखिए, ये आपका सड़क पर एक दिशा में गति करते हुए वाहन और ये आपकी दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर दिए जाएं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा दिए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होती है। क्या आप यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? जी, हम पर्याय यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी सरल चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। बात करते हैं चाल। आपने कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल में से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया या फिर अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब याद रखिए चाल की परिभाषा बताने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई आपकी। कितनी छोटी सी परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल, उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, जब यही पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, हम
जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बेले ही एक घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि एक घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही या फिर रुकी। वास्तव में यह परिकल्पित कलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी अपॉन लिया गया कुल समय, आपकी चाल निकल आएगी। आपने दैनिक जीवन में पहले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है आपकी। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6वीं में आपने दूरी मापना सीखा था। अब बात करते हैं समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते हैं? याद रखिए, ये बड़ी कला होती है। गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा अक्सर, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो दिन के सूर्य को देखता रहे टाइम बता देते हैं कि कितना टाइम हुआ हुआ। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, इसके बारे में जानना है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से। बोलचाल में जब हम समय को मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित समय अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक अमावस्या नौ चंद से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रयाग में एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य विधि घड़ियां ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती? घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। यह आपकी दीवार घड़ी होगी, मेज घड़ी होगी, ये आपकी अंक यानी कि डिजिटल घड़ी होगी। कुछ सामान्य घड़ी के चित्र, ठीक। आवर्त गति एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक का है। आवर्त गति का एक चिरपरिचित उदाहरण आपका सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टन से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। इस तरह से एक सरल लोलक हो गया। ये आपका दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां होगी। चित्र 13.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की गति या गति आवर्त अथवा दोलन गति का एक उदाहरण। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक और बी से वापस ए ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने
एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका तो गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से आपका वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। बात करते हैं क्रियाकलाप 13.2 में। लगभग 1 मीटर लंबा धागा ले सकते हैं आप लोग अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए इस तरह से। यदि आपके पास कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति में पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हम विराम घड़ी की आवश्यकता हुई। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीरे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इससे बंधी डोरी तनी हो। अब गोलक की विस्थापित स्थिति में से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है तो उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में समय लगा समय मापिए। सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण कीजिए। इसके दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ना है, फिर से बता रहा हूँ, और निकल जाना है, देखना है। दोनों के समय में लिया गया समय 42 सेकंड और एक आवर्तकाल 2.1। क्या आपने लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा समय परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल के अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। अब बात करते हैं समय तथा चालक की मात्रक क्या है। समय का मूल मात्रक सेकंड है। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड। इसका प्रतीक है एस। समय की बड़ी मात्रक मिनट है तथा घंटा भी है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी समय है अतः चाल का मात्रक होगा एम प्रति सेकंड। वास्तव में से अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे से में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 KM अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिए। क्या याद रखना है? सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है ना कि बहुवचन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी वायु आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आपका इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन यातनी की धड़कती है। ठीक है, बच्चों में यह दर कुछ अधिक होती है। ठीक है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण है। ठीक
यहाँ की रेत घड़ी हो गई, यहाँ की जल घड़ी हो गई, जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी है। ठीक है, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध विज्ञानी गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमे धीमे गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद की संख्या हर बार समान होती। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का दोलन सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास की कोई एक नई दिशा प्रदान की गई। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों के परिष्कृत यानी कि सुधारा हुआ रूप थी। अब बात करते हैं चाल मापना या समय। समय तथा दूरियों कैसे मापते हैं यह सीखने के पश्चात आप वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी ज्ञान की ज्ञात चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.3 चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए। अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम आती है दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापकों को सारणी में लिख सकते हैं। प्रत्येक समूह के पाठ्यांक से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आपने अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इन दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूरी दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आप स्वयं इसकी चाल को मिनट प्रति सेकंड में परिकल्पित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में विमोचित या छोड़ने विमोचित करने वाले रॉकेट फ्रेया आपके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकल्पित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा की ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी चाल इंटू समय। ठीक है, आपको यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय बराबर दूरी अपॉन चाल। इस तरह से आप लोग समय निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कार्यों बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार की डैशबोर्ड दर्शाया गया। ध्यान दीजिए कि इसमें किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इसमें सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी कि ओडोमीटर कहते हैं। यह है आपका कार का डैशबोर्ड, देख लीजिए। ठीक है, यह बात कर लेते हैं हम लोग। सामान्य उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब किसी ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय
अंतरालों को माप सकते हैं। इनमें से कुछ घड़ियां एक सेकंड के 10 लाखवें भाग, यहां तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकते हैं। आपने माइक्रो सेकंड अथवा तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने। एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक माइक्रो सेकंड आपका सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है माइक्रो सेकंड। एक नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। याद रखिए, इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग के तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय कुछ शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरब वर्षों में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल समय अंतरालों के प्रयास की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें हमने व्यवहार करना पड़ता है? विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहरी ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने पर तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पदमापी पाठ्यांक पर अपनी नोटबुक पर लिखी। इसके पश्चात उसने पाठ्यांक 13.5 बनाया। इस तरह यात्रा के विभिन्न समयों पदमापी के पाठ्यांक 8 AM 36,540 किलोमीटर 0 किलोमीटर आरंभिक बिंदु है पदमापी का पाठ्यांक। इस तरह 36,560 20 किलोमीटर। ठीक है, देख सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से दूरी क्या होगी? क्या आप बस की चाल परिकल्पित कर सकते हैं? सारिणी को देखकर बुजुर्ग ने पहली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 तक उसकी बस में कितनी दूरी तय कर ली है। पहली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे आप अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि समस्या का हल करने का एक ढंग है, हम दूरी समय ग्राफ खींचे। आइए यह पता लगाने के लिए इस प्रकार का ग्राफ खींच सकते हैं। इस तरह से किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों का स्तंभ ग्राफ। अब बात करते हैं दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्ताकार या पाई चित्र 13.9 चित्र 13.10 में दर्शाए गए ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। यह आपका स्तंभ ग्राफ हो गया, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका स्तंभ ग्राफ होता है। वायु का संघनन दर्शाता हुआ वृत्ताकार रेखा, ठीक है, और यह आपका आयु वर्ष में दर्शाया हुआ रेखा ग्राफ है। ठीक, ये आपका रेखा ग्राफ, ये आपका वृत्ता रेख और ये आपका स्तंभ रेख। ठीक है, याद रखिए, इस तरह से होते हैं। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए, चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षेत्र रेखा पर एक्स एवं ओ एक्स अंकित कीजिए, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ ओ वाई वाई ओ वाई अंकित कीजिए, इसे वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ओ कहलाता है, जिन्हें दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अंदर दर्शाया जाता है। हम अक्ष एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करें, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। यह आपका ग्राफ पेपर एक्स तथा वाई। ठीक है, बूझो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी, इस दूरी को तय करने में लगा समय लगाया है। उनके आंकड़े 13.6 में दर्शाए गए हैं। यह समय हो गया, ये आपकी दूरी हो गई। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, इसी तरह से आप नीचे दिए गए चयन को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर ओ एक्स ओ वाई अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है।
एक्स अक्ष के अनुदिश समय वाई अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाएगा। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार्य की गति के ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं, एक मिनट बराबर एक सेंटीमीटर, एक किलोमीटर बराबर एक सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार्य की गति के लिए समय को एक अक्ष पर मूल बिंदु से एक मीटर, मिनट, दो मिनट दूरा द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को एक किलोमीटर, दो किलोमीटर डॉट 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 बाई अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु को उस पर बिंदु अंकित करना है, ग्राफ बनाना। ये है आपका ग्राफ, ये समय हो गया, ये आपकी दूरी हो गई, ठीक है। कि संख्या एक के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय जीरो मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो के समुच्चय की ग्राफ पेपर पर यहाँ से दर्शाता है, ठीक है, बढ़ता जाएगा। पेपर स्थित मूल बिंदु पर एक मिनट के पश्चात कार ने एक किलोमीटर दूरी तय की। मानो के इस तरह से एक किलोमीटर एक मिनट में, ठीक है, दो किलोमीटर दो मिनट में। मानो के समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर एक मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर वाई अक्ष की समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात वाई अक्ष पर एक किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से एक्स अक्ष की समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर में इन मानों के समुच्चय का निरूपित करती हैं। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समयों पर कार्य की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाए गए। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा द्वारा रेखा प्राप्त होती है। यह कार्य की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में परिमाणीय का चयन इतना सरल नहीं होता। चित्र 13.13 में दर्शाया गया है। हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आइए फिर उसी बस की गति का पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाई गई। बस द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हम 80 सेंटीमीटर का खींचना होगा जो कागज की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने के लिए हम केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई की अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा परंतु ग्राफ पेपर के छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अध्ययन और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए कि आपने 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर आमाप का एक ग्राफ पेपर लिया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 की आंकड़ों को समायोजित करने कर सकने के लिए एक पैमाने इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, समय आपका 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी दूरी हो गई, ये आपका समय हो गया। क्या आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा विस्तृत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ में गति के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर कि बस द्वारा
तय की गई दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय की किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 8:15 पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहिए, तो इसके लिए हम x अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करेंगे। मान लीजिए कि वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर यह ग्राफ के जिस बिंदु पर T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ काटती है उस बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष की को बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB में हम 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करते हैं। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? इस तरह से बस की गति द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में हो गई और एक समय में हो गई, ठीक है। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या जाना है? प्रमुख शब्द भी देखे हैं, इसमें देखा है रेखा ग्राफ, ग्राफ देखा है, असमान गति देखी है, दोलन भी देखा है, सरल लोलक के बारे में जाना है, चाल के बारे में, आवर्त काल के बारे में, एक समान गति के बारे में, समय का मात्रक के बारे में जाना है, और इन्हीं शब्दों को हमें जानना है, ठीक है। जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं प्रैक्टिकल वो हमें नहीं करना है, बस पढ़ के निकल जाना है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन सी दूरी दूसरों से तेज चल सकता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को चलने में लिए गए समय में से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से व्यक्त प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तुओं का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। PDF आपके टेलीग्राम पर डली है, वहां से डाउनलोड कर लेना और एक बार उससे पढ़ लेना, बस निकल जाना है, इतना काफी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जान लिया है गति एवं समय के बारे में। आगे अध्याय 14 में हम बात करेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में।